पेटीएम पेमेंट बैंक पर जो बैन लगा है उससे रिलेटेड यहाँ पर एक बहुत बड़ा अपडेट निकल कर आया है। जी हाँ, जितने भी लोग पेटीएम पेमेंट बैंक को अपने मोबाइल में यूज़ कर रहे थे या पेटीएम के यहाँ पर वॉलेट को यूज़ कर रहे थे, उनको ये वीडियो स्किप नहीं करना है, क्योंकि आज की वीडियो में उनके लिए बड़ी खुशखबरी निकल कर आ रही है। जी हाँ, आप इसे एज ए खुशखबरी ही कह सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर पेटीएम को जो RBI ने यहाँ पर गाइडलाइन जारी की थी, या आप इसे कह लीजिए यहाँ पर बताया गया था कि 29 फरवरी के बाद पेटीएम का वॉलेट या पेटीएम पेमेंट बैंक का डिपॉजिट क्रेडिट बंद हो जाएगा, उससे ही रिलेटेड RBI ने यहाँ पर पेटीएम को छूट दे दी है। जी हाँ, यहाँ पर छूट मिल चुकी है पेटीएम को, RBI ने ही छूट दी है। अगर आपको यकीन नहीं आ रहा तो मेरे पास यहाँ पर RBI की ऑफिशियल वेबसाइट पर यहाँ पर एक प्रेस रिलीज है जो पेटीएम ने यानी कि RBI ने पेटीएम के लिए 16 तारीख को यानी कि 16 फरवरी को यहाँ पर रिलीज़ किया है। अब यहाँ पर इसके अंदर नया अपडेट क्या है, कितने यूज़रों को यहाँ पर क्या क्या यहाँ पर बेनिफिट दिए जा रहे हैं और यहाँ पर क्या क्या छूट मिली है, उसके बारे में यहाँ पर डिटेल में बताया गया है। आपको मैं पहले ही बता चुका हूँ कि जो RBI ने जो बैन लगाया है वो यहाँ पर क्रेडिट डिपॉजिट पर बैन लगाया है। जितने भी यूज़र हैं वो अगर फास्टैग वगैरह यूज़ कर रहे हैं, वॉलेट यूज़ कर रहे थे या पेटीएम पेमेंट बैंक यूज़ कर रहे थे या पेटीएम की UPI यूज़ कर रहे थे, तो 29 फरवरी तक उनका वहाँ पर ये काम बंद हो जाने थे। 29 फरवरी तक तो चलना था, लेकिन 29 फरवरी के बाद ये काम बंद हो जाना था, लेकिन यहाँ पर RBI ने यहाँ पर पेटीएम के यहाँ पर यानी कि जितने लोगों के यहाँ पर अकाउंट हैं उनको मद्देनजर रखते हुए यहाँ पर एक बहुत बड़ा यहाँ पर एक्शन लिया है और यहाँ पर बताया है कि अब यहाँ पर 29 तारीख को जो यहाँ पर डिपॉजिट होने थे, क्रेडिट होने थे, वो यहाँ पर 29 तारीख तक नहीं 15 मार्च तक होंगे। जी हाँ, 15 मार्च तक की छूट मिल चुकी है। 29 फरवरी तक लग रहा था बहुत सारे लोग नहीं कर पाएंगे, बहुत सारे लोगों का बैलेंस पड़ा है, बहुत सारे लोगों का यहाँ पर क्रेडिट होना है, FD वगैरह है, बहुत सारे लोगों को यहाँ पर परेशानी होनी थी, तो इसलिए RBI ने इसे सोच समझ कर इस डेट को बढ़ा दिया है। अब यहाँ पर आपके पास टाइम है 15 मार्च तक का। जी हाँ, यहाँ पर बताया गया है 15 मार्च तक अब आप यहाँ पर पेटीएम के बैलेंस को निकाल सकते हैं और यहाँ पर जो आपका मौजूदा बैलेंस है उसे किसी तरीके का कोई खतरा नहीं है, आप आसानी से उसे किसी भी ट्रांजेक्शन में यूज़ कर सकते हैं या उसे आप सेफली ट्रांसफर कर सकते हैं। तो आज की वीडियो मुझे आपको इसी अपडेट के बारे में बताना था। वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब, बेल आइकन को जरूर दबाइएगा और इसी से रिलेटेड पेटीएम से रिलेटेड बहुत सारी वीडियो बनाता रहता हूँ, आपको इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना है।